नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, अब मेरी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, यूजली कुछ हुआ होता है हफ्ते में या आसपास कहीं कुछ हुआ होता है जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और जिससे मुझे लगता है कि अरे ये बात करने योग्य है। तो ऐसा ही कुछ इन दिनों हो रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। हम लोगों का एक कोई फंक्शन हम अटेंड करने वाले हैं, राइट, सैटरडे यानी कल। अब उस फंक्शन में ऐसा है कि अब जैसे सब जानते हैं कि मेरी लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो डेफिनेटली लोगों को ऐसा, लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो सुपर कॉन्फिडेंट होंगे। नहीं, लोगों को लगता है कि अरे सोशल प्लेटफॉर्म पे है, बंदी एक्ट्रेस बनना चाहती है तो उठ के, जैसे नहीं होता कि बेटा गाना गा दो, फट से गाना दिखा देंगे, नाच दो, फट से गाना नाच देंगी, क्योंकि वो तो एक्ट्रेस बनना चाहती है, उन्हें तो स्टेज पे रहना है, बिफोर कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ऑन द स्टेज, तो सुपर कॉन्फिडेंट होगी। पर अजूबे वाली बात यह है कि ऐसा नहीं होता। अभी मैं हूं, मैं एक्ट्रेस के नाम पे जीरो हूं। मेरा तो एक किस्सा है कि जब कॉलेज टाइम में मुझे, क्योंकि मैं डांस कर लेती थी, सीखा हुआ नहीं है, अपनी मर्जी से जो डांस कर लेती थी, लोगों को अच्छा लगता था, तो मेरे यहाँ जो डांस ड्रामा होता था एनुअल फंक्शन में, उसमें मुझे हीरोइन रखा गया था। लेकिन फिर टीचर हार कर अंत में मुझे निकाल दिया, क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी कचरा थी कि क्या बताएं। अब मुझे देखें आप, मुझमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। हाँ, मुझे कोई बोले कि उठो नाच दो, मैं नाच दूंगी। कोई बोले माइक पकड़ के, अरे कुछ बोलो इस बारे में, मैं बोल दूंगी जो मुझे आता होगा। जो नहीं आता होगा तो मैं ये भी बोल पाऊंगी कि मैं नहीं जानती। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। तो यही मेरा कहने का पहला तो यही तात्पर्य है कि जो अगर स्टेज पे है, या जो बच्चा या बड़ा जो एक्टिंग करता है, या उसका काम है स्टेज पे खड़े होकर लेक्चर्स देना, एनी पब्लिक को एड्रेस करना इन डिफरेंट सिनेरियोस, नॉट नेसेसरली कि वो सब कॉन्फिडेंट लोग हैं। तो ये चर्चा मैं आज ये नहीं करने वाली हूँ कि क्यों कोई कॉन्फिडेंट है, क्यों कोई नहीं है, पर मैं ये जरूर बताने की कोशिश करूंगी कि कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को खुद ही नीचा कर देते हो। नहीं होते आ बैल मुझे मार, वो वाला हाल, वो कुछ हैबिट्स होती हैं, और खास करके उन लोगों में ज्यादा होती हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनमें लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। वो क्या, किन चीजों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्या उनके दिमाग में दौड़ रहा होता है हर पल, थोड़ा उस बारे में चर्चा करेंगे। एक तो मैं ये बता दूं कि कोई चीज इंस्पायर मैं किसी टॉपिक से होती हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका ज्ञान मुझे, मतलब गौतम बुद्धा की तरह बरगद के नीचे बैठे और मार चारों तरफ से उसका ज्ञान आ गया और मैंने बैठ के वीडियो बना दिया। ना भाई, इंस्पिरेशन मेरी लाइफ से होता है, लेकिन जब मुझे उसके बारे में जानकारी लेनी होती है या मैं जानना चाहती हूँ कि और क्या है वजह या किस, क्यों ऐसा होता है, तो मैं खोजती हूँ इन्फॉर्मेशन, और जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं उसको चर्चा करती हूँ। साइक टू गो करके एक चैनल है जो मुझे काफ़ी पसंद है, जिसको मैं काफ़ी देखती हूँ, उसमें ऐसा है, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। कोई भी मेरा टॉपिक होता है, मैं पहले वहाँ जाके सर्च करती हूँ कि उस चैनल ने इस बारे में कभी बात करी है कि नहीं, और मिलती है तो काफ़ी पॉइंट्स उनके मैं शेयर करती हूँ आपसे। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि जो चीज़ अच्छी है उसको हर भाषा, हर तरीके से पेश करना चाहिए। जैसे अगर साउथ इंडियन मूवी है और बहुत हिट हुई है तो उसको नॉर्थ इंडिया में भी प्रमोट करना चाहिए, उसका रीमेक होना चाहिए। वही अगर हॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी है जो बहुत अच्छी है तो उसको भी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, दुनिया भर की लैंग्वेजेस में बनाना चाहिए, जिससे वो मूवी का जो मज़ा है, लुत्फ है, वो सब लोग उठा सकें, है ना। तो ऐसे ही ये ज्ञान की भी बात होती है। जरूरी नहीं है कि कहाँ से उठाया या क्या किया या किससे सीखा हमने, किसी ना किसी से तो सीखा ही होगा, पैदा तो कोई ज्ञानी होता नहीं, कहीं तो सुना होगा, कहीं तो देखा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा। तो वो ज्ञान जब हम यहाँ बता रहे हैं, मैं अपने चैनल पे दे रही हूँ, तो वो रोशनी बढ़ाने वाली बात हो गई। मतलब उसका लुत्फ लोगों तक पहुँचा रही हूँ, और अपनी भाषा में, हिंदी में, जिससे कि ज़्यादा लोग सुन सकें और ज़्यादा लोग समझ सकें। तो ये मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूँ, कि ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बड़े भारी कोई ज्ञानी हूँ, नहीं। हाँ, टॉपिक्स हैं और फिर मैं उनको, उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ जो मेरे दिमाग में उठते हैं, तो टॉपिक्स मेरे जेन्युइन हैं ऑफकोर्स। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है उन लोगों का जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो उन्हें बहुत चिंता होती है कि दूसरे क्या सोचेंगे। कोई भी चीज़ में, कुछ भी ले लो, उनको कपड़ों में पहनते, अपनी खुशी के लिए कम पहनते हैं, दूसरों की खुशी के लिए ज़्यादा,
कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं कुछ करने से, क्योंकि उनको ये चिंता रहती है कि दूसरे क्या कहेंगे, और इसी चिंता में वो दबे ही रह जाते हैं, वो आगे ही नहीं निकल पाते, बाहर ही नहीं आ पाते। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है नेगेटिव थिंकिंग, कि ना कोई भी चीज हो उसमें ये सोचना है कि ये तो होगा ही नहीं यार, ये नहीं पॉसिबल। अब उसी को अगर हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो पता क्या होता है, जैसे नेगेटिव अगर आप बार बार गलत सोचते हो तो गलत हो भी जाता है। ये मैनिफेस्टेशन वाली बात है कि क्या चीज़ आप अपने दिमाग में कर रहे हो। इसमें मुझे आलिया भट्ट का किस्सा बड़ा याद आता है। आलिया भट्ट की रणबीर कपूर से शादी हो गई, राइट। अगर आप उसकी कोई प्रीवियस वीडियोस देखें तो छोटी थी तब से वो रणबीर को पसंद करती हैं, बहुत ही छोटे से। और ये पसंद ऐसी है कि सेवरल जगह उन्होंने ये बात बोली कि शादी क्या करने के लिए तो उन्हें रणबीर ही चाहिए, या रणबीर जैसे, रणबीर अगर कोई ऑप्शन दिया जाएगा तो वो रणबीर से शादी कर लेंगे। करण जौहर के भी कॉफी विद करण में भी उन्होंने ऐसा ही बोला था। और अगर आप आज देखें तो रणबीर के साथ कितनों ने कोशिश कर ली और कितने अफेयर्स हो लिए, लेकिन शादी हुई आलिया की। तो ये कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि अपने दिमाग में ठान लिया कि ये होना है, ये तो होगा ही मेरे साथ, ऐसा तो होगा ही, तो कई बार हो जाता है। वैसे ही जब आप नेगेटिव ठूस लेते हो तो फिर नेगेटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। बट एनीवेज दैट्स डिफरेंट। तो जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ भी वो भी कई बार कॉन्फिडेंस लैक करते हैं चीजों में। फिर सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा कुकर्मी है इसमें। अभी क्या है, जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं। अगर आप देखें दिन भर सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, ये देखते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, और दूसरों की जिंदगियों से परेशान होते रहते हैं कि अरे यार वो कितनी सुंदर है, अरे यार उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, अरे यार वो कपल कितना हैप्पी है, कि मतलब पता नहीं मुझे कब जीवन साथी मिलेगा या मेरे ऊपर कभी किसी की नज़र कब पड़ेगी। ये सब सोशल मीडिया को देख देख के, ये एक पल को आदमी नहीं सोचता कि सोशल मीडिया में जो भी कुछ डालते हैं या हम भी डालेंगे तो अच्छी ही चीज़ें डालेंगे, थोड़े हम अपना रोता बिलखता जीवन डालेंगे, नहीं ना, हम वही डालेंगे जो अच्छा है। पार्टी में जाएंगे तो मुस्कुराते हुए चिपक के फोटो खींच लेंगे अपने पार्टनर के साथ, चाहे अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं दिन भर, तो लोग तो सोचेंगे वाह इनका कपल परफेक्ट, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा फेक है, लेकिन ये जो लो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं वो उन्हीं को देख देख के और अंदर घुसते जाते हैं, उन्हें लगता है अरे यार मेरी ज़िंदगी तो कुछ ऐसी नहीं है, तो फिर वो और परेशान और गुस्से हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस उनका चला जाता है। तीसरा है जब वो खुद अपनी वर्थ को नीचा कर देते हैं या अपनी वक्त को नीचा खुद ही करते हैं, तो सेल्फ डिसिपेटिंग टॉक्स टाइप्स, कि जैसे कोई भी चीज़ हो तो वो खुद ही को कहते नहीं मेरा तो, मैं तो नहीं इतना कर सकती, मेरा तो मैं इतना अच्छा नहीं कर सकती हूँ, मेरा मैं बहुत बेकार हूँ इस चीज़ में, ऐसी वाली बातें। तो फिर जब खुद ही आप बार बार बोल रहे हो कि किसी चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, तो वो तो आप अच्छे नहीं रहोगे, जो अगर होगे भी थोड़ा बहुत तो नहीं होगे, गड़बड़ा जाएगा और नीचे चले जाओगे। तो वो भी एक है कि अपने को हर वक्त नीचा दिखाना खुद की नज़रों में, वो भी आपको कॉन्फिडेंस खराब करता है आपका। कहता है कि वो अपने लिए बार ही बहुत लो सेट करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सोच लेते हैं कि ज़्यादा तो वो अचीव ही नहीं कर सकते कि भाई इतना ही हम कर सकते हैं। फिर उनको क्या है, ये भी रहता है कि अगर कोई चीज़ वो करें और सामने वालों का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होता है, तो अगर वो लो रखेंगे बार तो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कोई भयंकर चीज़। तो ये भी एक कारण है लो जो कॉन्फिडेंस रखते हैं उनका। और ये भी एक कारण है कि उनको नोटिस नहीं किया जाता कई बार, क्योंकि उनको किसी चीज़ में पिक भी नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया उन्हें क्यों करें, वो तो वैसे ही गुस्सों हैं, उनसे तो कुछ होना नहीं है। तो वो वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो इम्प्रेशन भी वैसा ही फिर कैरी करता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि उनको लगता है किसी ग्रुप में अगर वो बैठे हों तो उन्हें लगता है कि वो तो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो शायद गलत होगा। नहीं होता जब कि कोई सेमिनार्स जो आप अटेंड करते हो या कोई भी मीटिंग्स होती हैं, जब उसमें नहीं अंत में बोला जाता है कि ओके एनी क्वेश्चंस या कोई बात है जो किसी को बोलनी है, तो कितने लोग हाथ उठाते हैं, बहुत कम लोग। बहुतों के दिमाग में कोई जलता हुआ सा इशू या क्वेश्चन होता है लेकिन हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्योंकि लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, शायद ये बहुत बेवकूफ़ी भरा सवाल है,
और कई बार ऐसा होता है आप सोचते हैं कि बेवकूफी है, लेकिन बगल में जो कॉन्फिडेंट बंदा बैठा है वो हाथ उठा के वही सवाल पूछ लेता है, तो आपको लगता है अरे, और उसको बोला जाता हाँ गुड क्वेश्चन, आपको लगता है अरे गुड क्वेश्चन हो गया, अरे मैं तो यही सोच रहा था, मैंने क्यों नहीं बोल दिया, लेकिन टू लेट है ना। तो ये बहुत बार होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उससे भी आप डरे रहते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता जिस जो डिस्कशन हो रहा है, तो यू फील कि यू आर अ फूल, यू डोंट नो। और जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है वो बहुत बड़ी एक गलती करते हैं कि अगर कोई उनको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना तो उसको डिसमिस कर देते हैं। अरे भैया सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है, उसको ग्रेशियसली ले लें, आपके कॉन्फिडेंस को तारीफें बूस्ट करती हैं। तो जब अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो तो उसको डिसमिस ना करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसको जेन्युइनली महसूस करें कि भाई नहीं, शायद सही में मैं लोग हैं ऐसे वहां जो मुझे पसंद करते हैं। जैसे मेरी लड़की के साथ होता है कि अगर उसको जो कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो हमेशा ये सोचती है कि उसको नहीं, सामने वाले को नहीं पता कि वो असली में कैसी दिखती है, या सामने वाले को नहीं पता कि वो ऐसी एक्चुअली नहीं है जो वो पसंद कर रहे हैं। वो हमेशा डिसमिस करती है कॉम्प्लीमेंट्स को, और बहुत लोग उसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो वो अपना ही वर्थ नहीं जानती, और ये बहुत बड़ा कारण है कि उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है। और एक वर्ड होता है रुमिनेटिंग, वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। रुमिनेटिंग का मतलब है कि जब आप अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं नेगेटिव, ये गलत जो आपके साथ हुआ, सिर्फ उसके ही बारे में सोचते रहते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे ही साथ क्यों, भगवान को क्या दुश्मनी थी मुझसे, उसको सॉल्व करने या आगे बढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ रोने के लिए, तो फिर आप नीचे ही जाते हो ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आ रहे थे कि क्यों आदमी का कॉन्फिडेंस नीचा रहता है। अब मैं बताऊंगी कि क्यों ये मेरे दिमाग में टॉपिक आया। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो फंक्शन होने वाला है सैटरडे, उसमें मेरी लड़की और एक और लड़की उसको एमसी करने वाले, यानी दे आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ सेरेमनी। तो जब 15 दिन पहले ये कार्यक्रम चल रहा था और बात चल रही थी तो सब बड़े खुश थे, वाह वाह वाह। अब जैसे जैसे इवेंट पास आ रहा है वैसे वैसे वो खिसकी हुई है, वो खिसकने का मतलब डरे हुए हैं सब, कॉन्फिडेंस जो है हिल मिल रहा है। और बार बार कल भी इस बात में चर्चा हुई कि मम्मा तुम क्यों नहीं कर देती हो, फालतू मुझे क्यों करवा रही हो। मैंने कहा राजे मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगे, इसलिए, पर डर है। तो मुझे ये चीज लगी कि जब ये भी तो स्टेज में ही खड़ा होने का काम है तो इसमें क्यों डर रही है, जब वो स्टेज में बिंदास खड़े होके कर लेती है या एक्टिंग कर लेती है तो इसमें क्यों इतना डर रही है। तो मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा फैक्टर जब स्टेज में होती है या जब कैमरे के सामने होती है या कहीं भी होती है, एक्टिंग कर रही होती है, तो उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसे पता होता है उसे क्या बोलना है, और जब एमसी करना है तो बहुत सारी चीजें ना हवा में है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब कोई बच्चा या कोई आपके घर में कोई ऐसा हो जिसको लगता है कि आप उस बंदे या बंदी में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये जो क्लैरिटी है ना, या क्लैरिटी या गाइडेंस या गाइडलाइंस, ये भी कॉन्फिडेंस देती है कि अगर सामने जो आगे चल बढ़ने के लिए सीढ़ी आपके सामने दिख रही है तो आपको अगला कदम लेने में तकलीफ नहीं होगी या झिझक नहीं होगी। पर जो अगर सीढ़ी गायब हो या धुंध हो वहां कि आपको पता नहीं है आगे सीढ़ी है कि नहीं है, तो आपको डर लगेगा ना। तो ये कुछ ऐसी ही बात है। तो मेरा एजेंडा आज का ये है कि मैं अपनी मैडम में, यानी अपनी बेटिया में, वो कॉन्फिडेंस लाऊंगी, जिससे ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर करवाऊंगी उसकी, कि जिससे उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाए और वो कल जाके एमसी बिंदास कर सके अपनी फ्रेंड के साथ। तो ऐसा ही आप सब भी कर सकते हैं। अपने घरों में अगर देखें कि किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो इन पॉइंट्स से शायद आपको कुछ फायदा हो, और दूसरा कि जो आगे की सीढ़ी है उससे धुंध हटाने की कोशिश करें तो शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सपोर्ट तो ऑलवेज देयर, होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा। चलिए अगले हफ्ते बताऊंगी कि कैसा किया मेरी लड़की ने, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।